तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जब आप MI के फ़ोन में स्टेबल से बीटा में या बीटा से स्टेबल में जाते हैं, जब आप उसको खोलते हैं फ़ोन को, तो आप कुछ तरह से इंटरफेस आपके सामने आता है जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो गाइस जब आप करते क्या है, जो आपका MI अकाउंट पासवर्ड है आप उसको भूल जाते हैं डालने के लिए आप, और मैं आपको बता दूँ ये इस तरह का इंटरफेस जब आता है जब आप अपनी ID को वहाँ से लॉग आउट नहीं कर पाते हैं। तो गाइस अब आपको करना क्या, यहाँ पर आपको पासवर्ड भी याद नहीं रहता है, तो गाइस आपको करना क्या है मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले करना क्या, आपको अपने फोन में नेट कनेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ओपन वाईफाई सेटिंग, तो यहाँ पर आपको वाईफाई कनेक्ट कर लेनी है। तो गाइस मैंने अपने दूसरे फोन की हॉटस्पॉट खोल दिया, मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे फोन की जो है वाईफाई कनेक्ट हो गई है। अब आपको एक दूसरा फोन लेना है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं अनलॉक हेल्प, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो गाइस आपको यहाँ पर देखते हैं फॉरगॉट पासवर्ड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा है गो टू IDMI.com टू रीसेट योर पासवर्ड। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं, तो गाइज आपको दूसरे फोन में करना क्या है, MI.com की एक ID खोलनी है गूगल में जाके। तो गाइज मैं अपना दूसरा फोन ले लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो गाइज मैंने अपना दूसरा फोन ले लिया है, अब आपको यहाँ पर सर्च करना है MI login। तो सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे लिंक पर आपको क्लिक करना है MI account sign in Xiaomi account। तो गाइज इस पर आपको क्लिक करना है, तो फिर इस तरह से इंटरफेस आएगा, आपको फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, तो गाइज आपको उस सिम को अपने फोन में डाल लेना है जिसमें आप इसको लॉगिन कर रहे हैं। तो गाइज उसमें डालने के बाद आपको यहाँ पर उस नंबर को डाल देना है। तो गाइज मैंने नंबर हाइड करने की वजह से नंबर डाल के इसको नेक्स्ट कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब आपको वेरीफाई फोन नंबर के लिए सेंड पर क्लिक करना है। तो आप सेंड पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर एक वेरिफिकेशन पासवर्ड आएगा। तो गाइस इसको यहाँ पर देख सकते हैं 2V56TD यहाँ पर डाल देना है आपको उसमें, तो सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद फिर एक OTP आएगा उसी नंबर पे। तो और गाइस जब आप इस OTP को यहाँ पर डाल देंगे, तो आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड डालने के लिए आएगा, आपको एक नया पासवर्ड यहाँ पर सेट कर देना है, और करने के बाद फिर अपने उसी फोन को ले लेना है, और यहाँ पर जो आपने पासवर्ड सेट किया है उसको यहाँ पर डालना है। तो गाइस मैंने डाल दिया, अब इसको एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद वेरीफाई होगा पासवर्ड आपका, और आपका पासवर्ड सही है तो आपका फोन खुल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं फोन के लिए एक चालू हो गया है। तो गाइस आज यही कुछ बताता ना मेरे को, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।